दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जियो की तीन सबसे बड़ी और पॉपुलर एफआरसी के कमीशन के बारे में बताने जा रहा हूं कि कौन सी एफआरसी में आपको ज़्यादा कमीशन मिलेगा और कौन सी एफआरसी में आपको कम कमीशन मिलेगा। साथ ही साथ एमएनपी कमीशन की भी इस वीडियो में बात करूंगा। तो अगर आप एक जियो पॉस लाइट रिटेलर हैं या जियो पॉस प्लस रिटेलर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए पूरी देखने लायक है, क्योंकि तीनों एफआरसी के बारे में डिटेल में आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप 100 रुपए का कैशबैक कमाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा जिसका नाम है ग्रो ऐप। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, इसमें कर लेंगे, आपके अकाउंट में 100 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे और 24 घंटे के बाद आप उस बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जियो की सबसे छोटी एफआरसी जो है 149 रुपए की। तो इसके कमीशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 24 दिन की वैलिडिटी प्लान के साथ ये एफआरसी आती है। अगर आप किसी कस्टमर का इस एफआरसी से सिम एक्टिवेशन करते हैं तो करंट में जो कमीशन चल रहा है वो 60 रुपए का चल रहा है। जी हां, आपको 60 रुपए का कमीशन टैली वेरिफिकेशन के सक्सेसफुल हो जाने के बाद मिल जाएगा। इसके बाद आती है दूसरी एफआरसी जो 99+199 की, यानी कि प्राइम के साथ ये एफआरसी आती है। तो अगर इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है और 1.5 GB का डेटा मिलता है तो इसका कमीशन पिछले कुछ दो तीन महीनों से 158 रुपये का ही चल रहा है। इसके कमीशन के अंदर कोई नया बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी एफआरसी आपको बता देता हूँ कि हाल ही में लॉन्च हुई है और जियो हीरो एफआरसी के नाम से इसे लॉन्च किया गया है। इसके कमीशन में करंट में बहुत अच्छा बेनिफिट दिया जा रहा है। पहले प्लस इसके जो वैलिडिटी, यानी कि जो इसमें कस्टमर को बेनिफिट मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे दिए जा रहे हैं। इसमें 28 दिन के वैलिडिटी प्लान के साथ ये एफआरसी आती है और 2 GB रोज़ अनलिमिटेड कॉल के साथ कस्टमर को इसमें बेनिफिट दिया जाता है। इसके कमीशन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। पहले इसमें 108 रुपये का कमीशन दिया जा रहा था, लेकिन अभी इसमें 143 रुपये का कमीशन दिया जा रहा है। मैंने 2 कस्टमरों का इससे सिम एक्टिवेशन किया है, मुझे दोनों दफ़ा 143 रुपये का कमीशन मिला है। तो अगर आप भी कोई एक्टिवेशन करते हैं, आपकी स्टेट में कितना कमीशन 249 रुपये की पेड एफआरसी पर आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे बहुत सारे यूज़रों को हेल्प होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि तीनों एफआरसी पर आप अगर एमएनपी करते हैं, यानी कि सिम पोर्ट करते हैं, तो आपको कितना कमीशन मिलेगा। तो 149 रुपये में 148 रुपये का कमीशन दिया जा रहा है। इसमें यानी कि आपका मार्जिन इंक्लूड है 6% का, और इसमें 138 रुपए का कमीशन दिया जा रहा है। तो टोटल 148 रुपए का कमीशन इसमें दिया जा रहा है। इसी तरीके से प्राइम प्लस 99 से अगर आप किसी कस्टमर का सिम एक्टिवेशन करते हैं तो प्लस मार्जिन और एफआरसी का कमीशन मिला के आपको 178 रुपए का टोटल कमीशन दिया जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप 249 रुपए वाली एफआरसी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आप देख लीजिए कि 228 रुपए का ही कमीशन दिया जा रहा है। प्लस इसमें आपका जो रिचार्ज मार्जिन रहता है, अगर आप उसे मिलाएंगे तो आपका टोटल 249 या 248 रुपए का टोटल कमीशन हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस इस कंपनी जो कर रही है वो 249 वाली एफआरसी पर कर रही है। तो दोनों ही मैंने आपको एमएनपी और सिम एक्टिवेशन के कमीशन के बारे में बता दिया। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।